नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज। एनसीबी के द्वारा गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आर्यन खान ने एनसीबी के सामने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, वो भी अपने पिता शाहरुख खान को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है कि ड्रग केस में इस टाइम एनसीबी के द्वारा आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है, और आर्यन खान से जब पूछताछ किया गया तो उसमें आर्यन खान ने अपने पिता को लेकर भी एक स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट उस टाइम दिया गया जब आर्यन खान से पूछा गया उसके पिता के साथ में रिलेशनशिप को लेकर। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्यन खान की एज जो है 23 to 24 है, और इस एज में वो ड्रग को कंज्यूम कर रहा है, इसलिए एनसीबी के ऑफिसर ने इस पर जो है क्वेश्चन पूछा, जहां पर आर्यन खान के द्वारा बोला गया कि उसका जो है रिलेशनशिप शाहरुख खान के साथ में बहुत सही है, लेकिन अगर बात की जाए कि शाहरुख खान के साथ में कितना ज़्यादा वो लोग एक दूसरे के साथ में मिल पाते हैं, इस पर जो है शाहरुख खान को लेकर आर्यन खान ने बताया कि मुझे खुद अपने पिता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बाय द वे ये भी बोला गया कि जनरली जो है वो खुद ही अपॉइंटमेंट जो है शाहरुख खान से ले लेते हैं, मतलब कि उनसे बात करके ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है शाहरुख खान इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनको आर्यन खान को खुद जो है शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा, उनसे जो है बात करनी पड़ती है और उसके थ्रू जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है शाहरुख खान से मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है आर्यन खान के द्वारा, जिसमें सीधा सीधा बोला गया है कि शाहरुख खान से भी मुलाकात करने के लिए आर्यन खान को जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अब ये सबसे बड़ी बात कि क्या ये लोग पैसे के पीछे इतना ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि इनके सामने फैमिली भी मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। इसमें ये भी बताया गया है कि शाहरुख खान इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने कामों में, अपने फिल्मों को लेकर, अपने और प्रोजेक्ट को लेकर, एक साथ कई कई मूवी को लेकर एक साथ मूवीज के प्रोजेक्ट पे ये काम करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। ये सीधे सीधे खुलासा किया गया है आर्यन खान के द्वारा। तो कहीं ना कहीं से ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी बॉलीवुड के एक्टर एंड एक्ट्रेस जो है पैसे के पीछे अब भी भागते हुए नजर आते हैं। हो सकता है यही एक मेन रीज़न है कि इनके जो फैमिली में इनके बच्चे होते हैं वो जो है गलत संगत में पड़ जाते हैं और वो इस तरह का कदम उठा लेते हैं। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।